इसके अलावा हम देखते हैं उनके अंदर इतनी बुराइयां थी, बेटी पैदा होती जिंदा दफना दी जाती थी, क्योंकि उनको बुरा लगता था किसी को कहना कि मुझे दामाद है। बेटी को हकीर बेकार, मतलब औरत की नस्ल को हकीर बेकार मनहूस शैतान से पैदा हुई, बिना अक्ल की बिना रूह की बिना एहसासात की खरीदो फरोख्त का एक मादा था, एक कमोडिटी थी जिसको लिया और दिया जाता, ये हालत थी औरत की। ठीक है, इसके अलावा खाने पीने में हलाल हराम की कोई तमीज़ नहीं थी, रिश्तों में हराम हलाल की कोई तमीज़ नहीं थी, विरासत तकसीम ना हो बोलकर सौतेले बेटों से माओं की शादियां कर दी जाती ताकि विरासत घरों से बाहर नहीं जाना। एक आदमी को दो बीवियां हैं चार बीवियां हैं, बाप आदमी मर जाता है तो उसके आपस में बीवियों के बच्चों की शादियां बीवियों से कर देते ताकि विरासत घर में रहना, हराम हराम की कोई तमीज़ नहीं थी। खाने अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बने। रोजाना हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।